तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग बहुपद का भाग और शेषफल ज्ञात करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड, बहुपद को कहता है कि भाग देकर, मतलब भागफल और शेषफल ज्ञात करें, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले, वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ छाड़ के नहीं देखिएगा, नहीं तो फिर ये क्लास समझ में आने वाले है नहीं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का जब वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम लोग क्या किए हैं कि दो क्वेश्चन ले लिए हैं, और ये कहता है कि बहुपद को भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। इस तरीका से हमको क्या करना है कि बहुपद हमारा दिया हुआ है, कहता है भागफल और शेषफल ज्ञात करना, ठीक है? तो पहले देखिए, क्वेश्चन जो होता है इसमें तीन टाइप का क्वेश्चन, चार टाइप का क्वेश्चन बनता है, मतलब एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। इसी में क्या होता है कि यहाँ पे दो देखे कभी कभी पूछा जाता है, तो आप बस कैलकुलेशन कंसेप्ट जो होता है उसका क्लियर होना चाहिए, आप बना सकते हैं किसी भी तरह का, आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है? तो चलिए पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पे जी एक्स हमारा कि पी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ, और जी एक्स हमारा एक्स दिया हुआ, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स हम लोग पता है कहाँ, तो यहाँ पर लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स ले लेंगे, इसको इसको जी एक्स मानते हैं, इसको क्या मानेंगे, पी एक्स। तो पी एक्स दिया हुआ तो पी एक्स मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भाग देंगे, जैसे बचपन में भाग देते थे। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे दो थ्री है, यहाँ पे नाइन है, कितना भाग लगाइए, तीन से लगाते थे, नाइन आता था काट देते थे, इस तरह के बनाते थे ना। तो अब इसी को भी इसी तरह बनाते हैं, बस स्क्वायर का गुना करना, ठीक है? स्क्वायर में गुना करके उसको लिखना है, ज़्यादा कोई भारी नहीं, आसान है, बस थोड़े से आपको कैलकुलेशन आने चाहिए और कुछ नहीं है। तो देखिए हम लोग कितना क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर चाहिए लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स लगाएंगे, ये एक्स है, ये एक्स गुना करके कितना एक्स स्क्वायर, तो लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके कर देंगे, यहाँ पे जो करते थे भाग करते थे, इसको क्या कर, सेम टू सेम है था, कैंसिल, मेरा क्या बच गया, टू एक्स प्लस फाइव बचा, मजा ना। अब देखिए यहाँ पे टू एक्स, यहाँ पे टू है ना, इसके गुना कितना वन है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है ना, इसके बगल में, तो यहाँ पे प्लस दीजिएगा, जिसके बगल में जुड़ेगा वही देना, ठीक है? अब यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे ये प्लस आया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे पहले आके टू ले लेंगे, ठीक? यहाँ पे जितना रहेगा वहाँ टू ले लेंगे, ठीक? ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे भैया थ्री रहता, और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सिक्स रहता, तो यहाँ पे कितना लेते हैं, टू लेते, क्या तीन दोनों छः, इस हिसाब से गुना करना आपको कि यहाँ पे मेकअप हो जाए, ठीक है? मेरा यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे वन है तो अब टू टू ही लेना पड़ेगा ना, तभी वन गुना दो होगा, ये तो सीमा गेम है, समझ में आया? और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो क्या यहाँ पे एक्स लेना लेंगे, नहीं लेंगे एक्स, क्या यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे रख ले लेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, एक्स एक्स ही चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे, सिर्फ टू लेंगे, ठीक है? तो टू लेंगे तो यहाँ पे एक्स को गुना किए टू से, कितना आ जाएगा ये टू एक्स आएगा कि नहीं, यहाँ पे टू एक्स आ जाएगा, एक ही होती है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल बचा फाइव। अब देखिए ये एक्स वाला है, ये बिना एक्स वाला, तो यहाँ तो संभव ही नहीं, आगे हल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो निकला मेरा भागफल कितना निकला, यहाँ पे मेरा भागफल, यहाँ पे मेरा जो भागफल निकला है वो निकला मेरा कितना, एक्स प्लस दो निकला कि नहीं, और यहाँ पे मेरा शेषफल कितना निकला रे बुआ, देखिए तो शेषफल, यहाँ पे शेषफल कितना निकला मेरा फाइव। तो बस यही हमको निकालना है, क्या कहता है, बहुपद मेरे दिए हो रहेगा, उसको भाग भाग देकर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना रहता है। तो ये तो एक अंक तो आपको बन गया, सिंपल था। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन लगा, कुछ कुछ मतलब तीन अंक इसमें दे देगा, चार अंक पांच उसमें दे देगा, उसको भाग देना लगा, ठीक है? तो ये तो एक अंक वाला था, पहले ये समझना जरूरी था ना, तो इसको सिंपल तरीके से भाग दे देकर लगा देंगे, ठीक है? तो अगर वीडियो को पॉज करके तो इसको उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हमारा क्या गया, जी एक्स हमारा दिया हुआ कितना, देखिए यहाँ पे जी एक्स दिया टू एक्स माइनस टू, ठीक है? हमारा पी एक्स क्या दिया हुआ यहाँ पे, टू एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है? ये दिया हुआ हमारा, अब इसको मिटा देते, ठीक है? आइए हमको क्या करना है यहाँ पे, शेषफल और भागफल ज्ञात करना है, ठीक है? जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे ही भाग करेंगे, सिंपल तरीका से, कोई ज्यादा भारी है नहीं, ठीक है? यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो अंक है, ध्यान रखिए, क्या यहाँ पे दो अंक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक्स का क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ दो है, यहाँ पे एक है, तो याद रखिए पहले यहाँ पे इसका गुणांक को पहले पूरा करना, तो इसका गुणांक एक, इसका गुणांक यहाँ पहले कितना लगाइएगा, पहले दो से लगाइए, ठीक है? हमको पहला वाला देखा, दूसरा वाला से हमें डिपेंड नहीं है, पहला वाला हमको अरेंज करना सबसे पहले, ठीक है? तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे कितना कर लेंगे, दो रखेंगे, कोई दिक्कत, जितना रहेगा उतना से गुना करना, ठीक है? तो यहाँ पे उतना से गुना करके मेकअप करना, सिर्फ हमको इसको मेकअप करने के लिए यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे गुना कर रहे हैं, जैसे हम लोग भाग में मेकअप करने के लिए गुना कर देते, ठीक है, भाग देते थे। तो यहाँ देखिए एक्स था, यहाँ पे दो था, दो लगा दिए, अब यहाँ पे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे कितना लगेगा, जो क्यों आ जाएगा, एक्स गुना करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर गुना करके एक्स का क्यों हो जाएगा, ऐसा गुना में वन है, इसका गुना में दो, तो वन को दो से गुना दो, तो दो का एक्स का क्यों हो जाएगा,
तो यहाँ पे तो मान लीजिए आया, तो यहाँ एक्स को गुणा के इससे, तो एक्स को गुणा करेंगे इससे तो कितना आएगा, दो का जो कहते हो, और यहाँ पे एक्स का क्यों आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है माइनस टू। अब इसको ये ना कि इसको छोड़ देना, सिंगल होता था तो उसको सिर्फ सिंगल करके छोड़ देता, अब यहाँ पे इसके 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 माइनस में है ना ये, तो अब इसको भी करना है। तो देखिए माइनस टू को इससे गुना करना, तो देखिए माइनस टू, तो माइनस टू तो यहाँ पहले तो माइनस दे देंगे, माइनस है तो, और दो को दो से गुना करके कितना चार, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर डाल देंगे, कोई दिक्कत इस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस डाले, उसका दो को दो से गुना के चार, और एक्स स्क्वायर पहले से एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करेंगे घेर देंगे। अब यहाँ देखिए इसको काटना ना, तो हम किसको क्या करना है चेंजिंग मान, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस माइनस का चेंजिंग करना है। अगर देखिए ये दोनों सेम नहीं है, प्लस प्लस है ना, तो इसको क्या करेंगे माइनस, ये प्लस माइनस क्या होता है प्लस होता है, याद रखिएगा प्लस माइनस। अगर इसमें इसमें सिर्फ ऊपर में प्लस रहेगा नीचे माइनस तो प्लस लिखेगा, अगर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस रहेगा तो क्या लिखेगा माइनस लिखेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये चेंजिंग हो गया, ये कैंसिल। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए कंडीशन, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये बिना एक्स, बिना एक्स स्क्वायर वाला ना, ये दोनों को काट नहीं सकते ना घटा सकते। ठीक है, इसको क्या कर अलग करके लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे अलग करके, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, तो देखिए ये माइनस वाला काम नहीं चलेगा, ये वाला प्लस काम, इसमें ये वाला प्लस काम करेगा, इसमें ये वाला प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ कितना आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस या सॉरी ये प्लस थ्री एक्स आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, थ्री एक्स प्लस वन आ जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे फिर लगाएंगे ना, क्योंकि अभी तो टूटा नहीं है, अभी जब तक ये इससे छोटा ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करें यहाँ पे देखिए फोर है, यहाँ पे गुणांक में वन है, यहाँ पे यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, प्लस लेंगे यहाँ पे फोर ले लेंगे, फोर लेने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना लीजिएगा एक्स लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स लेंगे तब ना ये एक्स एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका तो मेकअप किए, हमको फर्स्ट वाला को मिलाना, सेकंड वाला क्या आता है हमको दिक्कत नहीं, सेकंड वाला अपने आप मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे फोर एक्स है, गुणा कीजिए तो फोर और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आया कि नहीं। अब फोर एक्स स्क्वायर आने के बाद क्या लिखेंगे, आप इसको गुणा करेंगे इससे, है ना, यहाँ पे माइनस टू है तो पहले तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे दो को चार से गुणा किए आठ, और यहाँ पे एक्स था जो कहते एक्स है ना, जैसे यहाँ पे उतरा था। ठीक है, आप क्या करेंगे देखिए, अब इसको तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे घेर देंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर वही वाला प्लस माइनस, यहाँ देखिए ये दोनों प्लस प्लस तो ये माइनस थे, ये प्लस माइनस हम क्या करें प्लस ऊपर आएगा तो नीचे ही प्लस आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे इसको ये कैंसिल, जैसे इसको काटे थे। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स वाला, अब ये एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, क्या करेंगे इसको घटा सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे ये प्लस थ्री वाला, यहाँ देखिए ये प्लस थ्री एक्स, ये वाला माइनस वाला आठ नहीं लेंगे, ये प्लस आठ लेंगे, प्लस आठ एक्स जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा ग्यारह एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना ग्यारह एक्स और प्लस जो वन है लास्ट में वन बचा हुआ। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ पे कितना एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, मतलब एक्स है तो यहाँ पे एक्स तरह तो बात नहीं, एक्स नहीं लगाना चाहिए हमको यहाँ पे, नहीं लगा पहले यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे, जो मेकअप हो जाए सिर्फ यहाँ पे 11 से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ 11 से लगाइए, 11 से लगाएगा तो ये 11 को गुना करेगा इतना 11 एक्स, तो लीजिए यहाँ पे 11 एक्स, और ये माइनस दो जो गुना होगा 11 में तो माइनस 22 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, तो माइनस 22 आएगा, तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ये तो माइनस को काम का नहीं है, हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे जोड़े थे ये माइनस को काम का नहीं था जोड़ दिए थे, तो वैसे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 27, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए हमें मेरा भाग फल कितना आया, ये यहाँ लिखेंगे भाग फल, भाग फल मेरा कितना आया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11, अब मेरा शेष फल कितना निकला रे, मेरा जो शेष फल निकला वो शेष फल मेरा कितना निकला यहाँ पे 23, कितना निकला 23 निकला। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका से भाग कर देते, जैसे भाग करते तो वैसे धीरे धीरे भाग करते हैं, उसको क्या करते हैं हल कर लेते हैं। कभी कभी क्या होगा कि इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ कितना लगाएगा 2, तो ना 2 दो ना 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना चलेगा, यहाँ पे x रखेंगे तो ना ये एक्स स्क्वायर आएगा, इसको गुना करेंगे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर गुना कितना आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और यहाँ पे अब इसको क्या करना है, प्लस 1 को तो प्लस 1 तो प्लस 1, अब 1 को गुना करके कितना 2 तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल। इस तरीके से आप हर एक का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, आप आराम से शेष फल और भागफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।